6 साल तक तो यहाँ रख सकती हो, पर तुम्हें शायद इससे भी ज्यादा समय तक अंदर रहना पड़े। तेजा, तुम एक गाय भैंस जैसी बन गई हो, बस काम करो, खाओ और सो जाओ। कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है तुमने? कोई ख्वाहिश, कोई सपना है तुम्हारा? हाँ, तुम्हारी गर्दन तोड़ने का। मैं समझता था कि तुम इस गलत संगत से बच जाओगी, लेकिन अफसोस तुम नहीं बची। कम से कम मैं वफादार हूं, तुम्हारे और जक्कू की तरह नहीं हूं। तुमने अपना कबीला छोड़ा, जिन्होंने तुम्हें गुलाम बना के रखा, उन बहनों की नौकरी करती हो तुम, और वफादारी की बात तुम कर रही अरे हो। गुलामी की बात तुम मत करो, तो तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए था। तुम हमें छोड़कर बॉम्बे भाग गए और अब यहां आके गुलामी का भाषण दे रहे हो। अरे जब हमारे पास कुछ नहीं बचा था, उस वक्त अक्का ने ही हमें सहारा दिया था। अफसोस, अब सब लोग ये भूल गए हैं। तुम उस औरत के नाम पर एक कलंक हो। वो अब अपने लोगों के साथ कभी नहीं खड़ी होगी, और ये सालों से बहनों की गुलामी करते करते अब इसके घुटने कमजोर हो गए हैं।